Inside Kashmir, the guardian of journalism. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान लोन। इनसाइड कश्मीर के खसूसी प्रोग्राम में आपका आज एक बार फिर से खैर मुकदम है। आज हम जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर इस कुपवाड़ा कस्बे को कब आगे ले जाया जाएगा। हाल ही में मीटिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा ने एक मीटिंग बुलाई पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेशन को, यहाँ से इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको, ताकि इस कुपवाड़ा को जो कस्बा है उसको आगे कैसे ले जाया जाए और इसके लिए कौन कौन से काम किए जाए। आज इन्हीं मुद्दों को और इन्हीं बातों के साथ हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है म्यूनसिपल कमेटी कुपवाड़ा के चेयरमैन मिस्टर रियाज अहमद मीर। रियाज, पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ पे कुपवाड़ा में हाल ही में जो है यहाँ पे पब्लिक पार्क को जो थी उसको डिसमेंटल करके उसे कार पार्किंग बनाई गई। कुछ लोग उसके हक में, कुछ लोग उसके खिलाफ है। पहले से यहाँ पे दो जो पार्किंग जो है उन्हें अलॉट कर दिया गया था लेकिन उन्हें यूज भी नहीं किया गया। वाकई में आपको लग रहा है कि इसको डिसमेंटल करना जरूरी था ताकि जो पुरानी पार्क जो, ऐसा तो नहीं कि ये भी उसी की फेट में जाए? नहीं, जो अभी रिसेंटली पब्लिक दरबार डिप्टी कमिश्नर के साथ हुआ उसमें एक जितने ट्रेडर्स थे या सिविल सोसाइटीज थी या बाकी जितनी सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन डीसी साहब को दी कि हमारे पास पार्किंग नहीं है, और दूसरा उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दी कि जो पब्लिक पार्क है वो एक ड्रग सेल पॉइंट बना हुआ है। तो उसमें हमें डायरेक्शन आ गई डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कि आप इस तरह कीजिए, अगर ये ड्रग सेल पॉइंट हो गया और ये किसी चीज़ के यूज़ के लिए नहीं है। इसके पहले शायद आपको याद भी होगा कि आपने, आपकी चैनल के वसात से आया थी हमें एक ये कि ये गार्बेज साइट बनी है जो पब्लिक पार्क थी। तो जब हमने फिर आपस में बैठ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के उनके साथ मशवरा किया और उन्होंने हमें डायरेक्शन दी कि इसको आप पार्किंग में ये कर दो। और जहाँ तक सवाल दो पार्किंग की आप बात कर रहे हैं उसमें भी हमने टेंडर निकाला है, और इंशाल्लाह जो अभी ओवरऑल में जब देख रहे हैं हम कि जो ट्रैफिक जाम का सबसे बड़ा इशू है कुपवाड़ा टाउन में, उसको किसी तरीके से हल करना है। और उस चीज़ के लिए हमने ये हर एक टीम को मिलजुल के हमने एक डिसीजन लिया कि हम तीनों जगहों पर, अभी वैसे जो दो गए जिन पे आप बोल रहे थे कि काम जिनमें हमने पैसे लगाए थे उनमें भी टेंडर हो गया और इंशाल्लाह विद इन ए वीक वो भी चालू हो जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा इशू जो है वो है पब्लिक कन्वीनियंस का। हम टॉयलेट्स की बात करें, हालांकि बने तो हैं पहले से, या तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं या फिर वो काबिल इस्तेमाल भी नहीं है। हम जो रिगीपुरा बस स्टैंड है वहाँ पर नहीं है, जो ये बस स्टैंड है यहाँ पर सिर्फ एक पब्लिक टॉयलेट है, तो उसके लिए तो कुछ किया जाना चाहिए। देखिए, जो जहाँ तक रेगीपुरा का सवाल है, रेगीपुरा में विद इन टू डेज़ आपको हम फंक्शनल करके देंगे, क्योंकि उसमें क्या हुआ था, क्योंकि जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है वो श्रीनगर में होता है, वो जिस कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम लिया था वो कोई एनजीओ करके हैं जो बाहर से हैं, तो जो बंदा जो कॉन्ट्रैक्टर था वो पिछले एक महीने से गायब था। तो अब हमने डायरेक्टर साहब के साथ ये टेक अप मैटर किया और इनिशियली मैंने यहाँ से डायरेक्शन दी अपनी टीम को कि आप इसको फ़िलहाल फंक्शनल करवा दो और हम विद इन टू डेज़ जो रेगीपुरा वाला है वो फंक्शनल करवाएंगे, और जहाँ तक मेन अड्डे का जो हमारे यहाँ कुपवाड़ा में अड्डा है उसको भी इंशाल्लाह, क्योंकि अभी थोड़ा सा काम उसमें पेंडिंग है, और विद इन 10 से 15 डेज तक उसको हम फंक्शनल कराएंगे। फाउंटेन यहाँ पे है, हमेशा सिर्फ वो तभी चलता है जब वीवीआईपी मूवमेंट होती है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम थी क्या थी कि वो तो उसको यहीं से पानी डालते हैं, या तो उसको फंक्शनल बनाया जाए या तो फिर लोगों की डिमांड है कि उसको हटाया ही जाए। देखिए, जहाँ तक फाउंटेन का इशू है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा होगा जब सीएम का विजिट था उस टाइम ये फंक्शनल हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली जब हमारी अभी पब्लिक दरबार डीसी साहब के साथ हुआ उसमें डीसी साहब ने हमें फंड्स रिलीज़ कर दिए, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है क्योंकि एक कोडल फॉर्मेलिटी है जिसमें टेंडरिंग प्रोसेस है उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको विश्वास देता हूँ कि इंशाल्लाह और इंशाल्लाह एक महीने के अंदर अंदर हम उसको फंक्शनल करवाएंगे, और क्योंकि उसमें अभी जो बाहर से और भी कुछ काम थे उसमें एक एक्सपर्ट हमें श्रीनगर से लाना पड़ा जिसने उसको सैटरडे जाके विजिट किया, और इंशाल्लाह उन्होंने हमें यकीन दिया कि एक महीने के अंदर अंदर हम इसको फंक्शनल कराएंगे। गार्बेज डंपिंग की आपने बात की, डंपिंग साइट का इतना ज़्यादा बड़ा इशू है उसके लिए कोई इकदाम उठाया गया है? हालांकि डी साहब ने हाल ही में मुझे एक इंटरव्यू में कहा कि उसके लिए हमने लैंड आइडेंटिफाई किया है। एमसी उसमें कोई काम ऐसा कर रही है कि जल्द से जल्द वो आइडेंटिफाई किया जाए, उस पर काम शुरू हो जाए ताकि जो यहाँ पे हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उनको बचाया जाए? देखिए, जहाँ तक डंपिंग साइट का इशू है, ये आपको याद होगा जब मैंने ओथ लिया था उसी टाइम मैंने आपसे ये किया था कि हमारी जो मेन इशू है वो है डंपिंग साइट का, क्योंकि अब डंपिंग साइट जो है जगह तो हमारे हाथ में नहीं है, जब तक हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लैंड अलॉट नहीं करेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही अभी मैंने रिसेंटली सुना आपके जो आपने रिसेंटली इंटरव्यू लिया था डीसी साहब से, उसमें जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उन्होंने एक प्रॉमिस किया है कि विद इन 15 डेज तक हम उसको आपको लैंड अलॉट करेंगे, और हम इंशाल्लाह उसके बाद उसमें एक डीपीआर रख के जो भी फेंसिंग वगैरह होगी वो हम करवाएंगे। आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, पहले तो स्ट्रीट लाइट्स के बारे में, नहीं है टाउन में क्या ज़रूरी नहीं है कि होना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट लाइट्स का है इशू है, क्योंकि आपको पता है कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, तो कोड ऑफ कंडक्ट में आप टेंडरिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने
ڈی سی صاحب نے ہمیں کچھ پیسے دیے امیجیٹلی اور میرے خیال سے ہم کل سے وارڈس میں ابھی ہم نے کیا ہے, لیکن جہاں تک مارکیٹ کا سوال ہے انشاءاللہ دو یا تین دن میں آپ پورا مارکیٹ دیکھیں گے جو اسٹریٹ لائٹ سے ہم کریں گے. انکروچمنٹ کی ہم بات کریں, بہت بار یہ ایشو اٹھا کہ جو شاپ کیپرز ہیں وہ انکروچ کر رہے ہیں فٹ پاتھ کو. جب بھی ہم دیکھ رہے ہیں جو آفیشلز ہیں وہ صرف وہاں پہ ریڈی والے جو ہے ان کو ستاتے ہیں, ان کو ہٹاتے ہیں. جو شاپ کیپرز انہیں تو کوئی کہتا بھی نہیں کہ انکروچمنٹ یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے, ہٹائی جانی چاہیے. نہیں, میں نے تو اپنی ٹیم کو ابھی ڈائریکشن دی ہے, وہ ہر ویک میں ہم تین بار وزٹ کر کے ان کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ اس چیز کا میں آپ کو یقین دیتا ہوں, کیونکہ میری نوٹس میں تو ابھی تک نہیں آیا. ادروائز ہم نے ایک ٹیم ڈیپیوٹ کی ہے جن کو تین پر ویک میں تین تین دن ان کو وزٹ کرنا ہوتا ہے, کئی انکروچمنٹ تو نہیں ہو رہے, لیکن اگر کئی ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ میں پرسنلی اس میں انٹروین کروں. لاسٹ سوال آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, یہاں پہ جو آوارہ کتے ہیں, سٹر ڈاگس ہیں, ان کی بھرمار ہے, دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں, ہم ددون ایریا میں دیکھ رہے ہیں, ٹاؤن میں دیکھ رہے ہیں, سٹرلائزیشن کے لیے تو کوئی پروگرام ہونا چاہیے. اس کے لیے سر یہ تو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ میری نالج میں تو نہیں آیا ہے, اب آپ کی آواز سے آ گیا میرے پاس, تو انشاءاللہ میں دیکھ کے اپنی ٹیم کو ڈیپیوٹ کر کے جو ہم سے بہتر ہوگا ہم کریں گے. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو سو مچ. یہ تھے ہمارے ساتھ میونسپل کمیٹی کپواڑہ کے چیئرمین ریاض احمد میر, جن کا یہ کہنا ہے کہ قصبہ کو جو ہے آگے لے جانے کے لیے وہ ہر ممکن جو ہے کوشش کریں گے اور ڈس کنورژن کا ساتھ دیں گے. شاید پیر کے ساتھ میں ہوں عرفان لون, ان سائڈ کشمیر کے لیے.